Hello guys, the question is, suppose fx is a polynomial of degree 5 with leading coefficient 2009, ठीक है, एक polynomial 5 degree का जिसका leading coefficient 2009 है, and suppose further that f of 1 equal to 1, f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 5, f of 4 equal to 7, f of 5 equal to 9, then what is the value of f of 6, ठीक है, f of 6 का value find करना है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 डिग्री का प्रोनोमियल है, मतलब x का मैक्सिमम पावर 5 होना चाहिए, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है f of 1 इक्वल टू 1 एंड दूसरा f of 2 इक्वल टू 3 है, f of 3 इक्वल टू 5 है एंड f of 4 इक्वल टू 7 है एंड f of 5 इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो इससे आपको कुछ पैटर्न ढूंढना है कि इससे कौन सा पैटर्न होगा जिससे हम लोग फंक्शन डायरेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए f of 2 इक्वल टू 5 है, f of 2 इक्वल टू कितना है 3 है, तो 3 लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि f of 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, f of 3 इक्वल टू 5 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा, f of 4 इक्वल टू 7 में सेम रूल सेटिस्फाई हो रहा है ना, 4 इंटू 2 माइनस 1, 5 इंटू 2 माइनस 1 9, f of 1 में 1 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 2x माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है, एक टर्म एक जगह कहीं भी। ओके, अब देखिए जो फंक्शन है वो हम लोग को 5 डिग्री फंक्शन लाना है, 5 डिग्री पॉलिनोमियल और लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए 2009, तो हम लोग फंक्शन ज़ूम कर सकते हैं fx इक्वल टू 2009 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये 5 फैक्टर हैं, पाँचों लीनियर हैं, तो x का पावर मैक्सिमम 5 आएगा, 5 डिग्री पॉलिनोमियल, लास्ट में हम प्लस यहाँ पे ऐसे करते हैं 2x माइनस 1, ठीक है, जो हमेशा रिमाइंडर देगा। तो अब देखिए अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 है जिसके चलते ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और f of 1 इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे 2x माइनस 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो f of 1 का वैल्यू 1 आ गया, सही है। ओके, f of 2 चेक कर लीजिए, f of 2 अगर रखते हैं तो 2 यहाँ पे x माइनस 2 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 2 अगर यहाँ पे रखेंगे 2x माइनस 1 पे, x के प्लस पे 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 3 आ जाएगा, f 2 इक्वल टू 3, सही है ना, ये सही है। तो आप देखिए कि इस ये जो इक्वेशन हम लोग एज्यूम किए हैं fx इक्वल टू, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला 5 डिग्री है और सारा ये जो चीज़ है पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा हो गया पॉलिनोमियल 5 डिग्री का। अब हम लोग को फाइंड करना f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 यहाँ से आसानी से मिल जाएगा, f ऑफ 6 इक्वल टू आ जाएगा 2009 इंटू 6 माइनस 1 मीन्स 5, 6 माइनस 2 4, 3 2 1 प्लस 6 यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू 6 12 माइनस 1 ये होगा 11, तो f of 6 का वैल्यू फाइंड करना है, ये होगा 2009 इंटू 120 प्लस 11 आ जाएगा। ओके, अब इसको इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 241091, तो यही हो गया f of 6 का वैल्यू जो हम लोग को फाइंड करना था, f of 6 का वैल्यू क्लियर हुआ आपको, f of 6 का वैल्यू ये। तो ये आप समझिए कि ये जो फंक्शन एज्यूम किए हैं ये कैसे एज्यूम किए हैं, कैसे कैसे हम लोग सेट किए हैं कंडीशन, और फिर ये लीडिंग कोएफिशिएंट 2009 होना चाहिए, पांच फैक्टर है लीनियर, तो मैक्सिमम पावर तो 5 है एक्स का, तो ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया और f of 6 का वैल्यू आ गया 241091, क्लियर।